का अगला जन्म या बुद्ध का वही जन्म, या मनुष्य का अगला जन्म या मनुष्य का वही जन्म। पूरी दुनिया में जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, जो मैनकाइंड है, वो अपने जन्म के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, या अगले जन्म के बारे में, या जन्म होगा या नहीं, या जन्म कैसे होता है, वो मरेगा या नहीं, या अमर होने के लिए क्या करना है क्या नहीं, इसकी जिज्ञासा सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी कितना भी बीमार हो, कितना भी बूढ़ा हो, कितना भी परेशान हो, मगर मरना नहीं चाहता। मरने से उसको बहुत डर लगता है। भगवान बुद्ध ने व्यक्ति कैसे जन्म लेता है और कैसे मरता है इसके लिए ही घर छोड़ा कि दुख कैसे आता है, कैसे जाता है, बुढ़ापा कैसे आता है, कैसे जाता है, मनुष्य के कष्ट कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, सुख कैसे आता है, कैसे जाता है। ये प्रश्न बार बार आता है, मैं इसको थोड़ा बताने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि कई लोग मुझे पूछते हैं कि पुनर्जन्म के बारे में बताइए। भगवान बुद्ध जब पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, वैसे तो वो कई पेड़ों के नीचे बैठे हैं, मगर जो भक्त लोग हैं वो पीपल के पेड़ की ही महिमा करते हैं। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं जब उन्होंने खीर खाई है, यानी कि दूध पिया है। खीर को दूध बोलते हैं, खीर भी बोलते हैं। और वो जामुन के पेड़ के नीचे 11 साल की उम्र में बैठ के उन्होंने ध्यान साधना की कपिलवस्तु के अंदर, और साल के वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने बोधि को हासिल किया। यानी पेड़ उन्हें जो मिल गया वो उस पर बैठ जाते थे, वो ऊपर सर उठा के नहीं देखते थे कि पेड़ कौन सा है और किसका है। उनको पेड़ से शेल्टर चाहिए, छाया चाहिए, एक सहारा चाहिए, वो उन्हें किसी भी पेड़ से मिल जाता था, तो सारे पेड़ बराबर। तो वहां बोधि वृक्ष के नीचे जो रात के वैशाख पूर्णिमा के रात के पहले पहर में, तीसरे पहर में और दूसरे पहर में क्या देखते हैं, विपस्सना के अंतिम चरण में है, ध्यान लगाने की पूरी दृढ़ साधना की हुई है कि जब तक नहीं उठेंगे हिलेंगे भी नहीं, क्योंकि बार बार हिलते हैं साधना खराब हो जाती है, जब तक आखिरी बिंदु ना देख लें कि कैसे शरीर काम करता है। तो पहले पहर में जो देखते हैं वो देखते हैं भूतकाल, यानी कि शरीर आया कैसे है, शरीर में जो ये सॉफ्टवेयर काम करता है, जो मन काम करता है, ये कहां से आया, कैसे आया, इसकी कितनी फाइल और कितने फोल्डर हैं। वो सारे के सारे फाइल और फोल्डर को खोल कर देखते हैं, और वो देखते हैं कि कैसे ये पहले से आया है, इसमें क्या क्या चीज आई है, क्या क्या चीज इसमें नहीं है। उसी वैशाख पूर्णिमा की रात के दूसरे पहर में वो देखते हैं कि आगे ये कैसे काम करता है, जिसको दिव्य चक्षु के नाम से, दिव्य चक्षु का मतलब है जो दिखाई देने वाले चक्षु हैं, यानी कि सामने जो व्यक्ति है, सामने जो चीज है, सामने जो प्रेजेंट में जो चीज है, उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में बता सकते हैं। इसी ताकत और इसी बल से वो जो लोग उनके पास आते थे, या जो लोग उन्हें रास्ते मिलते थे, या जो अपना पूछते थे कि इनकी गति क्या रहेगी, सुगति है या दुगति है, तो वो बताते थे कि इसकी गति सुगति है या दुगति है, क्योंकि वो एनालिसिस कर लेते थे उसको देखकर अंदर तक, डीप तक। और तीसरे पहर में उनको कमाल की चीज मिली, जो उन्हें पटिच्य समुत्पाद, प्रत्यय समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, जो इस पूरी धम्म का और बुद्ध की जानकारी का केंद्र है, वो उनको मिला, जो 12 कड़ियों में उन्होंने बाद में बताया। और उन्होंने देखा कि कैसे जीवन बना मेरा और कैसे जीवन आगे बनेगा। जब उनको ये रहस्य खुल गए कि जीवन मेरा इस तरह से बना, और उनको ये समझ में आ गया कि जीवन आगे मेरा ऐसे बनेगा, जब आगे बनेगा जो जन्म होगा, तब उन्होंने मुंह से एक उद्गार निकले अपने आप, शब्द निकले अपने आप, उन्होंने कहा कि जीवन बनाने वाले, अब मैंने तुझे देख लिया है, समझ लिया है कि जीवन कैसे बनता है, जन्म कैसे होता है, जाति कैसे होती है, जाति को जन्म बोलते हैं, और अब मैं तुझे वो मटेरियल ही दूंगा, वो सामान ही नहीं दूंगा जिससे तू जीवन बनाता है, क्योंकि जीवन बनाने के लिए सामान तो चाहिए, उसी से जीवन बनता है। तो बनाने वाला जो है वो मटेरियल है, सामान है, और जो सामान है उसको उन्होंने प्रत्युत समोद में बताया है। कोई अलौकिक शक्ति या चमत्कारी शक्ति नहीं है, कॉज है एंड उसका रिजल्ट है, यानी कॉज है, रिजल्ट है, कारण है, कारण का परिणाम है, जो चीज अभी है वो बाद में जो हो गई वो उसका परिणाम हो गई। वहां से डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, या जो कॉज एंड इफेक्ट, या कारण और उसका परिणाम, या हेतुवाद, ये सारे के सारे जितने सिद्धांत थे एक ही नाम है, वहीं से उन्होंने देखे और वहीं उन्होंने बताए। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में, तथागत बुद्ध ने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बताई जो उन्होंने ना तो एक्सपीरियंस की हो, ना समझी हो, ना देखी हो, किसी सुनी सुनाई बात पे या कहीं किसी ने बता दिया ऐसी बात पे उन्होंने कभी नहीं बताया, उसके लिए स्पष्ट मना भी किया है।
उन्होंने कभी भी पुनर्जन्म शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने जन्म इस्तेमाल किया जिसको नेक्स्ट बर्थ बोलते हैं, यानी कि अगला जन्म। और अगला जन्म तो सबका होता है, यानी कि मैं जो बैठा हुआ हूं यहां, मैं अगला जन्म हूं अपने माँ बाप का, और मेरे जो माँ बाप हैं वो मेरे पिछले जन्म हैं, मेरा जो पुत्र है वो मेरा अगला जन्म है, यानी कि उस अगला जन्म है और मैं उसका पिछला जन्म हूं। यानी कि डेवलपमेंट की एक चेन तो चल रही है। कैसे चल रही है? क्योंकि हम जो आज मनुष्य 5 करोड़ साल में बना हुआ है, ये ऐसा नहीं था। हम बंदर से, मंकी से बनते बनते यहां तक पहुंचे हैं, और अब बीमारियों से घिर के, और समय से, और मौसम से, एटमॉस्फेयर से घिर के, और जो हमारे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको व्याणा बोलते हैं, या जिसको ह्यूमन का सॉफ्टवेयर बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं मन, या जिसको बोलते हैं नाम। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो अपने सिस्टम में बताया है, उस समय नाम और रूप बताया है। रूप का मतलब है कि मैं जो बैठा हुआ हूं हार्डवेयर, और जो मेरे अंदर सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वो मन है, उसको ह्यूमन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ह्यूमन हार्डवेयर और ह्यूमन सॉफ्टवेयर। ये ठीक ऐसे आप समझें कि जैसे कुछ समय पहले तक दूरभाष, यानी कि दूर से बात करने के लिए हमारे पास में कोई साधन नहीं था, तो मॉर्स की सबसे पहले आई, जो आपने देखी होगी, टक 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 करके टेलीग्राम में टक टक करके सिग्नल आते थे, वो तारों के थ्रू आते थे, और उसके आवाज की फ्रिक्वेंसी से और उसके गैप से हम पता करते थे कि किस शब्द की आवाज है। वो कोड हमने बनाए हुए थे, तो मॉर्स की कोड बुला करते थे उनको, उसकी प्रैक्टिस होती थी। उसके बाद में टेलीफोन आए, तो टेलीफोन के बटन दबा के टेलीफोन में एक या दो करके बात होती थी, यानी कि एक तरफ उधर टेलीफोन रखा है, एक तरफ उधर है, बस दो टेलीफोन के बीच में बात हो सकती है। फिर टेलीफोन बढ़ गए तो डायलिंग सिस्टम आ गया, तो बहुत सारे टेलीफोन से नंबर मिला के बात हो सकती है। फिर ट्रंक कॉल हो गई, दूसरे शहर में बात करनी हो तो फिर एक फोन से दूसरे फोन को कनेक्ट करने का सिस्टम आ गया। फिर डिजिटल फोन आ गए, फिर उनमें LED भी आ गई, फिर वायरलेस फोन आ गए। वायरलेस फोन में शुरू के अंदर वॉकी टॉकी टाइप थे, उसमें कोई डिजिटल मैसेज नहीं आता था, टू टू की आवाज आई और सिग्नल आया और बात करते रहते थे। फिर वायरलेस में, यानी जो आज की डेट में मोबाइल है, उसमें डिस्प्ले आने लगा, फिर उसमें नंबर डायल करने की सुविधा आने लगी, फिर डिस्प्ले बड़ा हो गया, फिर पूरी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया, बटन सारे गायब हो गए, फिर टच में आ गया, और अब टच से आगे बढ़ गया है कि आप बोल के कमांड कर सकते हैं, और बोल के और टच करके भी कमांड कर सकते हैं। आप अगर अंगूठे से टच करेंगे तो खुल जाएगा, उंगली से टच करेगा वो। इसके अलावा आप कमांड आगे बढ़ गई हैं कि वो आपकी आंख भी पहचान लेता है, आंख आप हिलाएंगे तो वो आपके आंख के हिसाब से आपका मोबाइल खोल देगा या उसे बंद कर देगा। अब इससे भी आगे की टेक्नोलॉजी आ रही है कि वो आपकी बॉडी के, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के बता देगा कि आपके मन में क्या चला है और आपको क्या चाहिए, और वो फाइल को खोल देगा। ये सारा सिस्टम जो आज यहां चल रहा है, ये गौतम बुद्ध ने देखा कि मनुष्य कैसे काम करता है। उन्होंने देखा कि शरीर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और छोटे छोटे कण होते 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 वो एटम तक पहुंच गए, और एटम से फिर वो जो परमाणु होता है, यानी मॉलिक्यूल से एटम तक, मॉलिक्यूल को अणु बोलते हैं, और अणु के भी जो टुकड़े छोटे छोटे होते हैं उसको एटम बोलते हैं, तो परमाणु तक पहुंच गए, और परमाणु तक पहुंचने के बाद उसके बीच में जो खाली जगह है वहां तक भी पहुंचे। उन्होंने अपना सारा सिस्टम देखा, और सारा सिस्टम देखने बाद उन्हें यह समझ में आया कि मेरा जो शरीर है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, नाम से और रूप से। नाम बोलते हैं माइंड को, यानी कि जो सॉफ्टवेयर हमारा है जो इसको कमांड करता है पूरे शरीर को, और जो हार्डवेयर है वो इसका रूप है जो यहां मटेरियल से मिलकर बनता है। उन्होंने देखा कि कैसे ये आपस में एक दूसरे से चिपकते हैं, यानी कि जो माइंड है वो मटेरियल को कैसे कमांड करता है, कैसे उसको कहता है कि अब 1 साल के अंदर तुमने इतना वेट बढ़ाना है, या ये रंग तुम्हारा होना है, या ये काला है, या अब तुम्हें इसके हाथ निकालने हैं, या पैर निकालने हैं, या आवाज निकालनी है, या अब इसका सर बनाना है, या अब इसको बूढ़ा करना है, या इसको जवान करना है, या कैसे काम करेगा। तो रूप और माइंड दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। रूप को चेंज करेंगे तो सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा, सॉफ्टवेयर को करेंगे तो रूप हो जाएगा। ह्यूमन का सॉफ्टवेयर अब तक के बने हुए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बनता है, जो रोबो बनता है, वो ह्यूमन साइंस पे और भगवान बुद्ध के अभिधम्म पे बनता है। तो उन्होंने देखा कि शरीर के अंदर जितना हम पूरी जिंदगी में जो हम बोलते हैं, चालते हैं, या सूंघते हैं, या खाते हैं, या जो शरीर पर जो टच आते हैं, या जो हम सुनते हैं, यानी जो हमारे सेंसेस हैं इनपुट वाले, जैसे कंप्यूटर में इनपुट सेंस होते हैं, एक माइक होता है, जो माइक का मतलब हमारे कान हो गए, और एक स्पीकर होता है का मतलब हमारे मुंह हो गए, एक टेस्टिंग किट वगैरह होती है इसका मतलब हमारी जीभ हो गई जिसपे हम टेस्ट वगैरह करते हैं या उसका असर देखते हैं, एक हमारी आंखें हो गई जो उसका कैमरा होते हैं, एक हमारा माइंड हो गया इन सबको मिलाने के बाद में, एक टच हो गया, टच पैड जो होता है कीपैड, वो हमारी स्किन हो गई।
तो एक हमारी नोज है जो हमारी स्मेल हो गई, तो स्मेल वाले भी सॉफ्टवेयर अब आ गए हैं, और इन सबको मिला के जो हम उसमें एक्सपेंस डाल देते हैं सॉफ्टवेयर में, वो सॉफ्टवेयर ले लेता है, तो वो अपने हिसाब से फिर उसको करना शुरू कर देता है, वो हमारा माइंड हो गया, मन हो गया। तो सारा का सारा पूरी दुनिया में सारी मशीनों का प्रोसेस सेम है, यानी हम जो ह्यूमन बैठे हैं उसकी मशीन, जो एनिमल है उसकी मशीन, जो एक छोटा मच्छर है उसकी मशीन, जो एक छोटी चींटी है उसकी मशीन, या जो एक हमने कार बनाई उसकी मशीन, या स्कूटर बनाया उसका मशीन, या टेलीफोन या कैमरा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम अपने जैसा ही रोबोट बना रहे हैं, कुत्तों का रोबोट बना लिया हमने, बिल्ली का बना रहे हैं, शेर का बना रहे हैं, मतलब चार पैर पर चलेगा, हमारे लिए काम करेगा, और हम अपने जैसा बना रहे हैं जो सोचने का काम भी करेगा। जो सिरी आज की डेट में आता है, या जो गूगल में जो आते हैं जो बोल के जवाब देते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलते हैं, आपसे वो ऐसे ही बात करेंगे जैसे सामने ह्यूमन कर रहा है, कमियाबी बहुत है, मगर परफेक्ट जब बन जाएगा तो वो ह्यूमन ही बन जाएगा, क्योंकि वो भी मशीन है और हम भी मशीन है। सारा प्रोसेस मशीन को देख के होता है, मशीन अपने आप को रिपेयर कर सकती है, हम अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर भी अपने आप को रिपेयर कर लेता है, हम रात को सोते हैं, अगर हम चिड़चिड़े होकर भी सोते हैं तो सुबह तक हम ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हम अपना सॉफ्टवेयर बंद कर लेते हैं, शांत भी कर लेते हैं, हम स्लीप मोड में चले जाते हैं, ऐसे ही हमने अपने कंप्यूटर बनाए हैं वो स्लीप मोड में चले जाते हैं, हम रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को, ऐसे ही हमने अपने सॉफ्टवेयर बनाए हैं कि वो अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं, ऐसी हमारी मशीनें हैं जो एक दूसरे से बात कर लेती हैं, सारा प्रोसेस डिटो सेम है। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि जब कोई नया प्राणी बनता है तो प्राणी बनने का प्रोसेस क्या है, कि जो प्राणी के अंदर मटेरियल को असेंबल करने की सिस्टम है, यानी कि उसका जो वुम्ब है, यानी जो उसका गर्भ है, वहां मटेरियल इकट्ठा और बनता है, मगर उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा, मन नहीं होगा, वो असेंबल की क्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसको कमांड कौन करेगा, उस मटेरियल को कमांड करने के लिए चाहिए। तो उन्होंने देखा कि व्याणा, उसका नाम उन्होंने व्याणा दिया, उस समय व्याणा वो होता है जो हम पूरे जीवन में काम करते हैं, और काम करते समय जो हमारे कोड फाइल बनती है, उस फाइल में जो सबसे डिजायरेबल फाइल होती है, जिसमें सबसे ज्यादा हमने अपनी डिजायर, अपनी इच्छा भरी हुई होती है, चाहे वो खराब है या वो अच्छी है, या तो हम लूटपाट मचा रहे हैं, या हम चोरी कर रहे हैं, या हम कत्ल कर रहे हैं, या हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, दोनों के रिजल्ट आने हैं। सिस्टम को नहीं पता है कि ये जो काम आप कर रहे हैं ये खराब है या अच्छा है, सिस्टम को सिर्फ ये पता है कि ये फाइल है और ये कोड में इकट्ठे हो रहे हैं और वो ट्रांसफर होगा। तो जब हमारा शरीर बंद होता है, यानी हमारी मशीन बंद होती है, तो उस मशीन से जो सबसे हैवी फाइल होती है, वो हैवी फाइल के साथ में एक सिस्टम जुड़ा होता है, एक फाइल जुड़ी होती है, कि जब वो निकल के वाईफाई के थ्रू जाती है तो सिस्टम को शट ऑफ कर जाती है, हमेशा के लिए बंद कर जाती है, जिसको हम कहते हैं कि अब हमारा रूप काम नहीं करेगा, हार्डवेयर काम नहीं करेगा। इसको बहुत बाद में उनकी जानकारी लेके लोगों ने आत्मा कहने की कोशिश की, मगर आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है, कभी मरेगी नहीं, ना कभी आग में जलेगी, ना कभी छोटी होगी, ना बड़ी होगी, वो कभी चेंज नहीं होती, मगर ये जो फाइल है, ये फाइल छोटी बड़ी होती रहती है और ये खत्म भी हो जाती है। यानी कि अगर आपके शरीर से जब आपका जो सॉफ्टवेयर है, जब आपका जो ये कंप्यूटर है, जब आपका सिस्टम बंद ना हो, और बंद होते समय अगर इससे फाइल कोई ना निकले वाईफाई के थ्रू, तो वाईफाई के थ्रू अगर कोई फाइल नहीं निकलेगी तो फिर आगे वो एक्टिवेट भी नहीं होगी, तो आगे वो मटेरियल इकट्ठा भी नहीं करेगी, तो आपकी फाइल का प्रोसेस बंद हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसको मोक्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि अब हम अमृत को प्राप्त हो गए, अमृत प्राप्त हो गया, निर्वाण प्राप्त हो गया। निर्वाण का मतलब है निबाण, यानी कि अब कोई बाण नहीं है, अब कोई इच्छा नहीं है। बाण का मतलब तीर, इच्छा बोलते हैं, बाण का मतलब तीर भी होता है, तो बाण का मतलब हुआ कि अब कोई इच्छा नहीं है, निर्वाण हो गया। अब हम आगे जाके हम कोई एक्शन नहीं करेंगे, अब हमने यहां सारे कॉज खत्म कर दिए, जब कॉज खत्म हो गए तो आगे फिर इफेक्ट आएगा ही नहीं। ये भगवान बुद्ध ने देखा, तब उन्होंने कहा कि अरे जन्म कैसे जन्म होने वाले सिस्टम, मैंने तुझको देख लिया है कि तू कैसे जन्म करता है। तुझे जन्म करने के लिए सबसे पहले एक फाइल चाहिए, उसका नाम उन्होंने व्याणा रखा। व्याणा चाहिए तेरे को, मैं तेरे को वो व्याणा दूंगा ही नहीं, अगर वो विज्ञान ही, व्याणा को विज्ञान भी बोलते हैं, अगर वो व्याणा या विज्ञान अगर मैं नहीं दूंगा तो आगे प्रोसेस ही नहीं होगा। जब प्रोसेस नहीं होगा तो मेरा बर्थ नहीं होगा, जब बर्थ नहीं होगा तो मैं दुख और सुख में फंसूंगा ही क्यों, मेरा बात ही खत्म हो जाएगी। ऐसा उन्होंने किया भी, देख भी लिया, यही सिस्टम उन्होंने बताया। तो उनका जो बर्थ था, बर्थ प्रोसेस रुक गया और बर्थ प्रोसेस खत्म हो गया। मगर जिनकी फाइलें खूब बनती हैं उनका तो बर्थ होता है। कैसे? जैसे आपके मोबाइल में एक फोटो आपने खींचा और वो फोटो आपको अपने भाई को भेजना है, या बहन को भेजना है, या बीबी को भेजना है, तो वो फोटो आप उसको वाईफाई के थ्रू भेजेंगे। जब आप वाईफाई के थ्रू भेजेंगे तो जिस नंबर से भेजेंगे वही नंबर रिसीव करेगा, अगर उसमें फोटो होगा तो।
तो वहीं जाएगा, अदरवाइज उसको कोई नहीं ले सकता अगर सिस्टम में डिफेक्ट ना आ जाए तो। ऐसे ही जब शरीर से कोई फाइल निकलती है तो उसके कुछ स्पेशल कोड होते हैं कि उसको कैसा घर चाहिए, कैसा मटेरियल चाहिए, तो वो चारों तरफ ढूंढता है कि उसका रिसीवर कहाँ है, और जिस पेट में उसको वो रिसीवर मिलता है उस समय के हिसाब से निश्चित उसमें जहां वो प्रोसेस चल रहा होता है वहां जाके वो अटैच हो जाता है, और जाने के बाद में फिर वो जो सिस्टम की जो सेंसेस है उनको बनाना शुरू कर देता है। सेंसेस का मतलब है मुंह, नाक, कान, हाथ, पैर बनाने शुरू कर देता है। तो अलग अलग सेंसेस होते हैं, किसी जानवर में एक सेंस होता है, सिर्फ वो कान नहीं होंगे, किसी की आंख नहीं होंगे, क्योंकि जानवर तो बहुत तरह के होते हैं। तो जितने सेंसेस की फाइल बनी है उतने सेंसेस का ही रिसीव करता है। तो अगर आपके पास सिर्फ दो सेंस हैं जिसमें सिर्फ एक बोलना और एक सुनना है, तो आप ऐसा जानवर बनेंगे जो सिर्फ बोल सकता है और सुन सकता है। अगर आपके पास में सिर्फ एक सेंसेस जा रहा है, एक सेंसेस का कोड है, तो एक सेंसेस वाला जानवर बनेंगे। और अगर आपके पास चार सेंसेस वाला है तो चार सेंसेस वाले जानवर बनेंगे। और अगर पांचों सेंसेस जा रहे हैं, पांचों इनपुट जा रहे हैं, तो पांच वाला प्राणी आप बनेंगे। तब उन्होंने देखा कि हमारे कर्मों के हिसाब से फाइल बनती है। अगर हम अच्छे कर्म करें तो फाइल अच्छी बनती है, और खराब करें तो खराब बनती है। और अगर हम किसी तरह की कोई इच्छा ही ना रखें तो फाइल बनेगी नहीं। मतलब अगर हम कोई फोटो खींचे ही ना, तो फोटो खींचेंगे नहीं तो वाईफाई से जाएगा क्या? कुछ नहीं। इसका मतलब फिर आगे कोई प्रोसेस होगा ही नहीं, किसी भी रिसीवर को वो फोटो मिलेगा ही नहीं। तो भगवान बुद्ध ने अपनी सारी फाइलें खत्म कर दी। खत्म करने के बाद निर्वाण प्राप्त हो गया। तो पुनर्जन्म और अगला जन्म क्या है? जब हमारा व्याण आ जाता है तो वो अगला जन्म होता है, जहां भी जन्म होगा अगला जन्म होगा। और पुनर्जन्म जो बोलते हैं लोग, वो इस तरह का होता है कि मैं जैसा बैठा हूं सुधीर दास सिंह, इस रूप, इस रंग, इस काठी का, ऐसे मेरे बाल, ऐसे मेरे नाक, ऐसी मेरी आंख, ऐसे मेरे कान, ऐसी मेरी आवाज, डिट्टो मेरा ऐसा ही बर्थ कहीं हो और मैं इस उम्र में आके फिर ऐसा ही हो जाऊं, या जैसा मैं बचपन में था वैसा ही हो जाऊं, इसको पुनर्जन्म बोलते हैं। और पुनर्जन्म का मतलब है सेम बर्थ। सेम बर्थ नहीं होता, मगर नेक्स्ट बर्थ होता है। यानी कि मैं, क्योंकि मेरी इच्छाएं अभी हैं और इच्छाओं की फाइलें मेरी हैं, इसलिए मेरा नेक्स्ट बर्थ होना हर संभव कोशिश में होगा। अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो अच्छा होगा, और खराब करूंगा तो खराब तरह के। खराब का मतलब है कि जितना चीज में इकट्ठा करूंगा उसी के हिसाब से आगे होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक घर के अंदर दो बच्चे ट्विन पैदा होते हैं। अब ट्विन बच्चे जो होते हैं जुड़वा होते हैं, एक ही माँ के पेट में पैदा होते हैं, कई बार तीन भी होते हैं। तो दो बच्चे ज्यादातर पैदा होते हैं, तो दो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि माँ और बाप की एक एक चीज सेम है, यानी घर भी सेम है, जो बाप से गुणाएं वो भी सेम है, जो माँ से गुणाएं हैं वो भी सेम है, शारीरिक गुण। उसके बाद में उनको जो माँ के पेट में खाना मिल रहा है वो भी बराबर है, जो टेम्परेचर मिल रहा है वह भी बराबर है। जब उनको पैदा होते हैं तो एक ही जगह होते हैं, फिर एक ही माँ का दूध पीते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही वातावरण मिलता है, यानी जो कहता है उनसे एक ही बात कहता है, एक ही सुनते हैं वो, घर का टेम्परेचर, एटमोसफियर, सब चीज़, खाना पीना बराबर है। उनकी शक्ल सूरत भी डिट्टो सेम है, एक सी है, कोई अंतर नहीं है, मगर उनके स्वभाव अलग अलग हैं, बचपन से अलग है। दुनिया में किसी भी दो ट्विन के स्वभाव एक से नहीं है। दो ट्विन के स्वभाव तो छोड़िए, परिवार में अगर एक ही माँ बाप से छह बच्चे हैं तो छह के छह का स्वभाव अलग है, और छह के छह बच्चों का स्वभाव तो छोड़िए, पूरी दुनिया में जो 7 अरब 77 करोड़ लोग हैं, उन 7 अरब 77 करोड़ लोगों का स्वभाव अलग अलग है, यानी उनका जो मन है अलग अलग तरह का है, उनका सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह का है। जितने भी ह्यूमन घूम रहे हैं उन सबका सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह का है। तो इसका मतलब जो स्वभाव होता है वो सबका अलग इसलिए होता है क्योंकि जीवन में आदमी जैसा स्वभाव इकट्ठा करता है उसका इम्पैक्ट अगले जीवन में उसको जाता है और मिलता है। ये लाइफ का प्रोसेस है जिससे कि हम नेक्स्ट बर्थ प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट बर्थ को, अगले जन्म को कोई भी सिंगल मनुष्य डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी तो जो जन्म उसका हुआ है वो किसी प्रोसेस से तो हुआ है। जो लोग अपनी सारी बुद्धि को त्याग के या ये सोच के कि हमें क्या इसमें पलने पड़ना, वो ये मान लेते हैं कि हमें किसी चमत्कारिक तरीके से जन्म मिला है और कोई ऐसी शक्ति है जो सबको जन्म देती है, मारती है, तो वो फिर बात करने का फायदा है नहीं, क्योंकि बुद्ध ने सिंगल शब्द भी चमत्कार का कहीं बताया नहीं, सिंगल शब्द भी गॉड का पूरी फिलॉसफी में है नहीं, सारा मनुष्य का कैसे निर्मित होता है कैसे नहीं वो बताया, और अभिधम्म पीटक में उन्होंने स्वभाव भी बताए हैं कि स्वभाव कैसे बनते हैं और कैसे बिगड़ते हैं, यानी मनुष्य के जो ये स्वभाव हैं 52 प्रकार की चीज़ों से मिलकर बनते हैं और 128 प्रकार के स्वभाव होते हैं उसके, जो उसका बिहेवियर पैटर्न होता है, इसके अलावा उसका कोई बिहेवियर पैटर्न होता नहीं है। और मनुष्य की ही सॉफ्टवेयर सबसे बड़ा है, उसकी ही सबसे बड़ी चेतना है, और वही अपने पुराम को देख सकता है, एनालिसिस कर सकता है, रोक सकता है, होल्ड कर सकता है। जैसे भगवान बुद्ध ने जब अपनी सारी फाइलें रीड कर ली और देख ली और अपने शरीर की एक एक एटम में और एक एक मॉलिक्यूल में वो अध्ययन कर लिया उन्होंने,
तो उन्होंने अपनी डेथ की फाइल को होल्ड कर दिया, यानी कि उन्होंने अपनी डेथ जो डेथ की फाइल थी, उनकी मृत्यु की फाइल थी, जो उनके मरने की फाइल थी, उसको बंद कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया कि अभी नहीं खोलेगी ये। और कई बार जो शरीर का सिस्टम है उसने उसको खोलने की कोशिश की, उन्होंने हर बार उसको बंद कर दिया कि अभी नहीं खुलेगी, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। ऐसा जिक्र उन्होंने आनंद को कई बार बताया कि जो मार है, जो यानी डेथ है, जो डेथ की फाइल है, वो बार बार मेरे को कहती है कि डेथ की फाइल खोलनी है, मैं मना कर देता हूं, क्योंकि जब तक भिक्खु संघ पूरी तरह से सीख ना जाए, परिपक्व ना हो जाए, मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा। और लास्ट में वो आनंद से कहते हैं कि मैं अगर चाहूं तो आगे तक जी सकता हूं। आनंद सुनते नहीं है उस समय, इसलिए क्योंकि बुद्ध हैं, बुद्ध अपनी इच्छा से नहीं जीना चाहते, इसलिए उन्होंने नेचुरल प्रोसेस के तहत में उस फाइल को जो होल्ड पर रखी हुई थी उस फाइल को ओपन कर दिया, एक्टिवेट कर दिया और घोषणा की कि 3 महीने बाद ठीक आज से मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। और 3 महीने, क्योंकि उन्होंने उसमें 3 महीने का जो टाइम था टाइमर लगाया, और 3 महीने के ठीक बाद वो वैसाख पूर्णिमा की रात को आखिरी पहर में रात के शरीर को छोड़ के चले गए। बहुत लोगों ने पूछा उनसे कि बुद्धों का क्या होता है मरने के बाद, क्या बुद्ध दुनिया में वापस आते हैं, क्या हमेशा के लिए एनिमिनेट हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कभी इसका आंसर नहीं दिया, कभी इसका क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जानते थे सारी बात है। शायद दोनों ही जवाब में लोग अपने आप को ये सोच के कि भाई ऐसा होता है तो कैसा ऐसा नहीं होगा, बहुत सारी बातें करें, बहुत सारी बातों के उन्होंने जवाब दिए भी नहीं। जैसे बहुत लोगों ने पूछा कि यूनिवर्स कितनी बड़ी है कितनी नहीं है, तो उसका कोई जवाब है भी नहीं, उन्होंने दिया भी नहीं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल का जवाब वो कभी देते नहीं थे, जिनका कोई मनुष्य से ना फायदा है ना उनका आंसर है ही, क्योंकि जो दूसरा आंसर देने वाला है वो भी गप मार रहा है, उसे कहां से पता चला। जब किसी को पता नहीं ये बात तो उसको कहां से पता चली, कौन उसके कान में कहने आया। मगर वो झगड़े में नहीं पड़ते थे, इसलिए जितना देखते थे, जितना तथ्यों पर आधारित आता था, जितना तथ्यों पर आगत होता था, तथागत उतना ही वो बताते थे, उतना ही बताने के लिए कहा है। इसलिए इस कंफ्यूजन को बराए मेहरबानी बिल्कुल दूर कर लें कि भगवान बुद्ध ने कभी भी पुनर्जन्म के बारे में बात नहीं की, उन्होंने हमेशा नेक्स्ट बर्थ के बताया। और नेक्स्ट बर्थ उनकी थ्योरी है, नेक्स्ट बर्थ उनका सिद्धांत है, और नेक्स्ट बर्थ जो है वो बौद्ध जो साहित्य या बुद्ध का या धम्म का जो है या अभिधम्म पीटक है, वो सारा का सारा उसमें दिया हुआ है। बिना उसके धम्म 1 इंच आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि मुखों से जब आप अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो वो सिद्धांत आपको सीखना ही पड़ेगा। धन्यवाद। Time.